इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्लास टेंथ का है, टेंथ का फिजिक्स का चैप्टर है। देखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने से पहले अपन सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, करंट की। करंट क्या होता है, करंट, करंट का मीन्स होता है फ्लो। अब बात होता है किसके फ्लो, यदि किसी वाटर पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसे बोलेंगे वाटर करंट। सिमिलरली यदि किसी भी कंडक्टर में से कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसके अंदर से यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी चार्ज फ्लो करता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कोई भी ये चाहे इधर फ्लो कर रहा हो चाहे इधर फ्लो कर रहा हो, किधर भी फ्लो कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज होते क्या है। पॉजिटिव चार्ज मेनली किसको डिनोट करता है, प्रोटॉन्स को, एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को। तो अपन कहेंगे कि जब प्रोटॉन फ्लो करें तो उसे बोलेंगे, उसे भी क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक करंट, और चाहे नए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो भी उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट मान लो किसी भी जगह कोई भी कंडक्टिव मटेरियल है, ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, इस कंडक्टिंग मटेरियल में मान लो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यदि इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, सिमिलर टू द पॉजिटिव चार्ज या सिमिलर टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के अंदर यदि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन किधर रहेगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। बाहरी बात समझ में। सो इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, देन डायरेक्शन ऑफ करंट will be same to the flow of positive charge particles, and for negative, if negative charge particles flow, then direction of current will be opposite to the direction of negative charged particles। आई बात समझ में। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब मान लो अपन को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, चाहे ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल आ गया, इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज आ गए। ठीक है, तो इसमें यदि कोई अपन एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट अपन ने कोई भी पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट से चार्ज फ्लो करेंगे इससे इधर की साइड। ठीक है, किसी भी टाइम टी पे, टाइम टी है और चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। तो किसी भी टाइम टी में जितने भी क्यू चार्ज, जितना भी क्यू चार्ज इसके इस पॉइंट के एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर होता है, तो उसी ही उसकी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस कि यदि t इज इक्वल टू 1 सेकंड, देन
द वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये I क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, तो I क्या वैल्यू क्या हो गई, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट क्या रहेगी, यूनिट चार्ज की यूनिट, चार्ज Q की यूनिट होती है कूलाम, जिसे आप लिखते हैं C से, एंड टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, जिसे लिखते हैं S से, ठीक है। तो करंट की यूनिट क्या रहेगी, कूलाम अपॉन सेकेंड, जिसे हम एक एम्पियर से नोट करते हैं। ये एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस करंट की के बारे में बताया था, उसको ऑनर देने के लिए ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रखी गई है, एम्पियर रखी गई है। अब बात करते हैं, देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, क्या कि यदि इफ 5 कूलाम चार्ज फ्लोस इन 10 सेकेंड थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल, देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। चार्ज कितना दे रखा है, 5 कूलाम, एंड टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सो जैसा कि अपना फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सो क्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर, 5 कूलाम 10 सेकेंड। बैटरी बात समझ में, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ गई आपकी 0.5 एम्पियर, आया समझ में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, वो क्या बनता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज, ये थोड़ा नया है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो चार्ज दे रखा है आपको कितना, 1 कूलाम। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स में टोटल चार्ज हमेशा, जो टोटल चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज वो कितना रहेगा, Q इज इक्वल टू एन ई, एन ई मीन्स एन फॉर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड ई फॉर द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल चार्ज 1 कूलाम, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन को फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। सो Q इज इक्वल टू एन ई, सो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, दैट इज Q की वैल्यू 1 कूलाम, एंड E की वैल्यू आ गई आपकी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, दैट मींस कि टोटल 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स जो रहेंगे वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।